क्रिकेट बेसिकली एक मेरे लिए तो जुनून है, पैशन है मुझे इसका, और ये वाकई में एक फनी गेम है। हमेशा कोर्ट सुना होगा आपने, क्रिकेट इज़ अ फनी गेम, क्योंकि ये आपको 99 डेज आपको रुलाती है और एक दिन आपको खुश करती है। तो उसके अलावा हम ये सब कुछ जानने के बावजूद भी इस क्रिकेट के पीछे हमेशा से भागे हैं और ये जुनून के पीछे भागे हैं, क्योंकि वो जो एक दिन की खुशी है वो एक्चुअली आपको बहुत ऐसा सुकून देती है जो शायद आप किसी चीज़ के लिए भाग रहे हो तो आपको वो वाला सुकून मिलता है। तो ऑफकोर्स मेरी ज़िंदगी में भी ये एक पैशन रहा है, शुरू से जुनून रहा है कि मुझे इस क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए जितना मेरे से हो सकता है मैं करूँ, और अब तक उस जुनून के पीछे मैं भाग रही हूँ। बेसिकली इसमें इतने अप्स एंड डाउन्स आते हैं और इतनी इसमें आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है और आपकी ऑटोमेटिकली लाइफ इतनी शेप में आ जाती है कि आपको डिसिप्लिन आप अपनी लाइफ में शुरू कर देते हो, आपकी फिटनेस आ जाती है आपके, आपको पता लग जाता है कि आपने लाइफ एक्चुअली गुजारनी किस तरह है। तो मेरी लाइफ भी काफ़ी, जब स्टार्ट की थी तो हम बड़े शरारती से होते थे, हर चीज़ हमने की अपनी लाइफ में, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा डिसिप्लिन हमारी लाइफ में आ गया जो हमने हर रूल्स को फॉलो करना, हर तरह के अपनी बॉडी शेप को सही रखना, फिटनेस पे काम करना, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एक तरह की लाइफ आपकी शेप अप इस तरह की हो जाती है कि आपको पता चल जाता है आप एक मुकम्मल कंप्लीट इंसान बन जाते हैं। सारी बात है, एक्साइटमेंट तो होती है, आप एक माइलस्टोन कंप्लीट करने जा रहे हो और इंशाल्लाह ताला इस शोर पे ज़रूर होगा, और मेरा ख्याल है कि ये वो अचीवमेंट है जो हमारे जितने भी बॉलर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, वो चाहते होंगे कि हम जल्द से जल्द इस माइलस्टोन पे पहुंचे। तो ऑफकोर्स मेरे लिए भी वैसी ही अचीवमेंट है, और मेरा ख्याल है कि इस अचीवमेंट के बाद सिर्फ मेरे लिए खुशी का दिन नहीं होगा, पूरी टीम के लिए भी होगा, और आई होप कि जो दिन ये खुशी का हो वो पाकिस्तान उसमें जीते भी। बीइंग ऑलराउंडर और सीनियर एज अ सीनियर प्लेयर, मेरा यही रोल है कि मुझे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है मैं पाकिस्तान को जिताऊँ। और अब रैंकिंग की तरफ मैं इतना ज़्यादा नहीं देखती, क्योंकि ऑन द डे आपको पता चलता है टीम कैसे परफॉर्म करती है। तो मेरा ख्याल है कि हम मैच बाय मैच जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इन मैचेस को जीतेंगे। बहुत अच्छी सीरीज हमें मिली है और बड़ा अच्छा मौका है इस सीरीज को जीतने का भी, वो ये हमें काम ज़रूर आएगा क्योंकि आगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड है, वर्ल्ड कप है, और हमें काफ़ी सारी इस तरह की मैचेस की ज़रूरत थी जो कि हमें आगे भी काम आता। तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए बेस्ट चांस है यहाँ पे परफॉर्म करें और अपने आप अपनी स्किल्स। जबरदस्त किस्म का इनिशिएटिव पीसीबी ने लिया है, वेरी फर्स्ट टाइम ए टीम भी पाकिस्तान के साथ टूर कर रही है और सेम वेन्यू पे टूर कर रही है। दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हर बंदे के लिए यहाँ पे, और ए टीम की भी वो लड़कियाँ को भी मौका बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है कि वो पाकिस्तान में भी अपना नाम बनाए, पाकिस्तान टीम में अपने आप को लेकर आए। और ऑब्वियसली जिस तरह की हमें ये कंडीशंस मिली और पीछे जितने कैंप्स हमने किए हैं हमें ज़बरदस्त किस्म की प्रिपरेशन करके आए हैं, और मेरा ख्याल है कि दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हर बंदे के लिए, और इसको हमने डन करके जाना है यहाँ से।